हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 12 चैप्टर नंबर 1 पार्ट 2 में प्रोबेबिलिटी में 5 एग्जांपल राइट द सैंपल स्पेस ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ द रैंडमली सिलेक्टेड एनी वन नंबर फ्रॉम द नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 से लेके कहीं भी कोई लिमिट नहीं है, बराबर 1000 हो सकता है, 10000 हो सकता है, इसलिए यहां डैश किया हुआ है। ओके, इफ one number is randomly selected from these numbers, then the sample space will be as follows. बराबर, यानी u is equal to 1 2 3 4 5 6 आगे बढ़ता ही जा रहा है, बराबर, कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि यहां रेंडमली नंबर हमें सिलेक्ट करने नेचुरल नंबर, तो नंबर कोई भी हो सकता है, बराबर। इट शुड बी नोटेड हियर दैट दिस इज अ इनफाइनाइट सैंपल स्पेस। इनफाइनाइट यानी क्या होगा, जिसमें कोई लिमिट नहीं है। ओके, अब थोड़ी चीज यहां हमें याद रखनी है, यहां इवेंट यानी क्या होगा, मान लो कोई भी यू हमने फाइंड किया, कोई भी पॉसिबिलिटी है, बराबर, यहां पे पत्ते हम फेंकते हैं, तो पत्ते में 52 पत्ते हैं, उसमें से एक पत्ता हम लेते हैं, बराबर, तो उसमें से कोई भी आ सकता है, बराबर, और इसमें बोल दिया कि सेड के होने चाहिए, यानी 13 पेज होंगे उसके, बराबर, तो ये 13 हुआ, वो हमारी इवेंट्स हुई, बराबर, और टोटल पत्ते 52 थे, वो हमारा सैंपल स्पेस हुआ, बराबर, तो ये इवेंट आएगा। देन ये इम्पॉसिबल इवेंट, जो इवेंट पॉसिबल ही नहीं है, बराबर, 10 माल की वो फ्लोर से हमने छलांग लगाई और नीचे जिंदा रहे, वैसे पॉसिबल ही नहीं है, बराबर, जो हम सुपर हीरो नहीं है कि जो ऐसा बच जाएगा, वैसे ही कोई भी ऐसी इवेंट है जिसे पॉसिबल ही नहीं है, बराबर, तो उसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट इवेंट बोलते हैं, बराबर। हम डाइस फेंकते हैं तो उसमें 0 आए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, या 1 से लेकर 6 तक ही आती है, अदर कोई अमाउंट आती नहीं है, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं, बराबर। सर्टेन इवेंट, सर्टेन यानी कंपल्सरी वो आएगा ही, बराबर। अमिताभ बच्चन का जो सोले पिक्चर का जो सिक्का था, तो उसमें क्या था, दोनों साइड एक ही थी, बराबर, किंग ही था, तो क्या होगा, कोई भी उछालो उसको पता है कि वो ही आएगा, बराबर, तो वो क्या होगी, सर्टेन इवेंट्स, कि पहले से कंफर्म हो कि यही अमाउंट आएगी, तो उसको क्या बोलेंगे, सर्टेन इवेंट्स, बराबर। देन कंप्लीमेंट्री इवेंट्स, कंप्लीमेंट्री इवेंट्स यानी क्या होगा, कि मान लो कि यहां कोई भी दिया हुआ है, यहां डाइस हम कर दे, तो उसमें क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, यहां देख लो, u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, बराबर, उसमें a बोला हुआ है कि मान लो कि ओड नंबर इवन नंबर के हिसाब से कोई भी हम ले सकते हैं, यहां 1 3 5 लिया, बराबर, तो उसका कंप्लीमेंट्री इवेंट्स क्या हुई, 2 4 एंड 6 हुई, बराबर, तो ये जो अमाउंट हुई जो a में नहीं है पर यू में, वैसी को क्या बोलेंगे, कंप्लीमेंट्री इवेंट्स, यानी ए डैश बोलते हैं, बराबर, यू माइनस ए लिखा जाता है। उसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट्स, दो इवेंट्स में जो कॉमन है तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन, और दो इवेंट्स में सब कुछ आ जाता है पर जो कॉमन है वो एक ही बार लिखना है, बराबर, रिपीट करनी नहीं है, तो ये सब कुछ आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, यूनियन ऑफ इवेंट्स, बराबर, ए में भी है बी में भी है पर कोई रिपीट होनी चाहिए नहीं। मैच्युअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स यानी क्या होगा, दोनों में कोई भी चीज कॉमन ना हो, बराबर, ये दोनों डिफरेंट हो, बराबर, तो उसमें क्या होगा, मैन्युअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, बराबर, वो हमें याद रखना है कि दोनों में कुछ भी कॉमन होना नहीं चाहिए, बराबर। हेड और टेल, इसमें एग्जांपल भी दिया है, हेड किया और टेल किया, हेड और टेल में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, बराबर, यानी क्या होगा, दोनों में मैन्युअली एक्चुअली इवेंट्स आएगा। अब डिफरेंट इवेंट यानी क्या होगा, ए माइनस बी और बी माइनस ए, यानी ए में से दोनों में बी में जो भी अमाउंट है वो भी माइनस कर दे, यानी ए माइनस ए इंटरसेक्ट बी, ये भी माइनस किया, तो इतना जो पोर्शन आया उसको क्या बोलते हैं, ए माइनस बी, बराबर, उससे सेम वैसे ही यहां बी माइनस ए, यानी क्या होगा, बी में जो इवेंट्स है उसमें से दोनों का इंटरसेक्ट, यानी ए इंटरसेक्ट बी, वो माइनस करोगे तो क्या आएगा, बी माइनस ए इंटरसेक्ट बी,
इसको ऐसे भी लिख सकते बी माइनस ए यानी ए डैश इंटरसेक्ट बी, बराबर। उसके बाद की इवेंट कि मान लो कि ए है और बी दोनों डिफरेंट है, बराबर, तो उसको भी क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव इवेंट्स, बराबर, मैन्युअली एंड एग्जीक्यूटिव इवेंट्स, यानी दोनों का इंटरसेट 5 होना चाहिए, दोनों में कॉमन भी नहीं होना चाहिए और दोनों का टोटल योग होना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव एंड मैन्युअली एग्जीक्यूटिव एंड एग्जीक्यूटिव इवेंट्स बोलते हैं, बराबर। चलो अब उसके बाद देयर आर द 3 येलो एंड 2 पिंक फ्लावर्स इन द बास्केट, बराबर, यहां 3 येलो है और 2 और 2 पिंक फ्लावर है, टोटल मिला के 5 और है, बराबर, जिसे वन फ्लावर इज रेंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम दिस बास्केट, उसमें से एक फ्लावर हमने सिलेक्ट किया, डोनेट द सेक्शन ऑफ द येलो फ्लावर अज एन इवेंट्स ए एंड सेक्शन ऑफ द पिंक फ्लावर अज द इवेंट बी, फाइंड द सेक्शन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग इवेंट्स एंड आंसर द गिव द क्वेश्चन, यू फाइंड करने, यू यानी क्या होगा, येलो फ्लावर के लिए उसको क्या बोला है, वाई वन वाई टू एंड वाई थ्री, तीनों अलग रहे इसके लिए, इसके लिए पी वन एंड पी टू पिंक फ्लावर के लिए, तो यहां देखो यू इज इक्वल टू वाई वन वाई टू वाई थ्री पी वन एंड पी टू, ए इवेंट यानी येलो फ्लावर होता है, यहां देखो डोनेट द सेक्शन ऑफ द येलो फ्लावर अज एन इवेंट ए, ए इवेंट में येलो फ्लावर वाई वन वाई टू वाई थ्री, बी इवेंट में पिंक फ्लावर, बराबर, तो इसमें पी वन एंड पी टू, अब ए डैश यानी इसके अलावा यू टोटल है उसमें से येलो फ्लावर निकाल देते तो पिंक फ्लावर बचेगा, बी डैश यू टोटल दोनों फ्लावर है उसमें से पिंक फ्लावर निकाल देते तो क्या बचेगा, येलो फ्लावर, बराबर, तो वैसे करना है, इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, बराबर, और यूनियन यानी दोनों मिला के दोनों का यूनियन कर दे तो क्या होगा, दोनों सब आ जाएंगे वाई वन वाई टू वाई थ्री एंड पी वन एंड पी टू, ओके, देन ए इंटरसेक्ट बी डैश यानी ए और बी डैश, बी डैश में यही आएगा जिसमें, बराबर, बी डैश जो हमें यहां फाइंड किया हुआ है, बराबर, वही लेना है, दोनों सेम ही है यानी वाई वन वाई टू वाई थ्री आएगा, ए डैश बी डैश यानी ए माइनस ए इंटरसेक्ट बी, ये भी कर सकते हैं, बराबर, तो ये करोगे तो भी वही अमाउंट आएगी, ए डैश इंटरसेक्ट बी यानी ए डैश का क्या आएगा पी वन पी टू, बराबर, और ये बी का पी वन पी टू ही है, दोनों में कॉमन वही रहेगा, और ए डैश इंटरसेट बी यानी बी माइनस ए इंटरसेट बी, ए इंटरसेट बी तो है ही नहीं यानी इसमें से माइनस करोगे तो पी वन एंड पी टू ही आएगा। देन 10 नंबर द एक्सिलेमेंट्री इवेंट आर द सबस्टेंट विद द वन इवेंट्स इफ वी डोनेटेड द डिफरेंट एलिमेंट्री इवेंट्स ई वन ई टू ए थ्री, यानी सबकी अलग अलग इवेंट्स में, बराबर, तो क्या आएगा, ई वन इज इक्वल टू वाई वन, ई टू इज इक्वल टू वाई टू, ई थ्री इज इक्वल टू वाई थ्री, ई फोर इज इक्वल टू पी वन और ई फाइव इज इक्वल टू पी टू, सबकी अलग अलग इवेंट्स, बराबर, एलिमेंट्री इवेंट्स। देन उसके बाद द इवेंट्स कैन इट बी सेड इवेंट्स ए एंड बी मैन्युअल एग्जीक्यूटिव इवेंट्स, रीजन यस, क्योंकि दोनों में इंटरसेट जीरो आ रहा है यानी फाइव आ रहा है, बराबर, दोनों में कोई कॉमन नहीं है यानी वो मैन्युअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। देन द इवेंट ए कैन इट इज सेड दैट इवेंट्स ए एंड बी एक्सक्लूसिव इवेंट्स, बराबर, तो ये देखो दोनों का यूनियन, ये देखो यूनियन यानी यू आया, बराबर, तो ये सेम आया यानी क्या होगा, ये इवेंट्स एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, ओके, okay?